अमेरिकी कृषि विभाग USDA ने विश्व में सोयाबीन उत्पादन और बीते एंडिंग स्टॉक की रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर के मुकाबले जनवरी में अमेरिका में तो सोयाबीन उत्पादन में वृद्धि आंकी गई है, लेकिन कुल वैश्विक उत्पादन में कमी का आकलन किया गया है। दरअसल प्रमुख सोया उत्पादक दक्षिणी अमेरिकी देशों ब्राजील और अर्जेंटीना में सोयाबीन के उत्पादन में गिरावट विश्व के सोयाबीन उत्पादन के आंकड़े को कमजोर कर रहा है। USDA की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सोयाबीन का उत्पादन 7,325.6 लाख टन होने का अनुमान है। दिसंबर में अनुमान 3,817.8 लाख टन का था। अमेरिका में तो दिसंबर के 1,204.3 लाख टन से जनवरी में उत्पादन 1,207.1 लाख टन होने का अनुमान है, लेकिन ब्राज़ील में दिसंबर के अनुमान 1,440 लाख टन से घटकर 1,390 लाख टन और अर्जेंटीना में 495 से घटकर 465 लाख टन उत्पादन आंका गया है। इसी तरह एंडिंग स्टॉक भी विश्व में 1,020 लाख टन से घटकर 952 लाख टन अनुमानित है। चीन का उत्पादन और एंडिंग स्टॉक स्थिर है। अमेरिका में बढ़त है, लेकिन ब्राज़ील और अर्जेंटीना में घटने से विश्व का स्टॉक घट रहा है। उच्च उत्पादन और थोड़ा अधिक शुरुआती स्टॉक पर अमेरिकी सोयाबीन की आपूर्ति 11 मिलियन बुशल बढ़ा दी गई है। 2021-22 के लिए US सीजन औसत सोयाबीन की कीमत $12.60 प्रति बुशल होने का अनुमान है, जो 50 सेंट ऊपर है। यह तंग वैश्विक सोयाबीन स्टॉक और ब्राज़ील, अर्जेंटीना और पैराग्वे के लिए कम उत्पादन पूर्वानुमान के कारण है। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स TV। आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।